मणिपुर में पिछले 40 दिनों से जारी हिंसा के बीच में राहुल गांधी ने मणिपुर के लोगों से खास अपील की है और साथ में बीजेपी सरकार पर खास प्रहार किया है। राहुल गांधी ने शांति बहाली के लिए वहां एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए ये बात कही है। साथ ही उन्होंने मणिपुर के हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान किया है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के विषय पर पूरे देश को निराश किया है, वह पूरी तरह से खामोश है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में राहुल गांधी ने बीजेपी की नफरत की राजनीति के कारण मणिपुर 40 दिनों से जल रहा है, जिस वजह से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट में यह जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भारत को निराश किया और वह पूरी तरह से चुप है। राहुल गांधी अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि हिंसा के इस चक्र को बंद करने और शांति बहाली के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल प्रदेश में भेजा जाना चाहिए। चलिए नफरत का बाजार बंद करते हैं और मणिपुर के हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। राहुल गांधी का यह ट्वीट है। ये है मैथी लिपुन और आरंभाई टेंगोल, दो चरमपंथी मैथी संगठन है। एक कुकी का मैंने बता दिया था, हाउकिप का, और यह है मैथी का। इन लोगों को 5,000-5,00,000 गोलियों से ज्यादा जो है पुलिस ने लूटा वूटा नहीं, मुकुल वासनिक जी ने और जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया था, लूटने की बात ही छोड़ दीजिए। बोले कि भाई साहब आ जाओ ले जाओ यार, बंदूक बंदूक जो है आर्मनी में रहता साफ करना पड़ता, बड़ा टेंशन रहता, ले जाओ तुम घर ले जाओ ना, जितना दंगा करना कर लो, क्योंकि देश को जलाना तो हमने कसम खा लिया है। सो दे गेव 5,00,000 राउंड्स, 5,00,000 गोलियां जो है इस ग्रुप को जो है आराम से निमंत्रण दे करके, लाल कालीन बिछा करके। और आप नहीं पूछोगे कि यह देशद्रोही है कि नहीं, राहुल गांधी से पूछोगे, सबसे पूछ सकते हो, लेकिन इन लोग से नहीं पूछ सकते हो। सचमुच में मेरा भारत मान है। एंड आई एम सेइंग व्हाई, बिकॉज यार ये अब नाक से ऊपर पानी चले गया है, देश जल रहा है, टूटने जिस तरह से ये लोग लगातार गिरोह को बुला, टूटने के कगार पर है, बॉर्डर्स आर इन अ डेंजरस सिचुएशन, दे आर गिविंग आर्म्स टू द एक्सट्रीमिस्ट। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले 40 दिनों से हिंसा भड़की हुई है। कुछ दिन शांति के बाद फिर से हिंसा भड़क उठी। हिंसा की ताजा घटना, केंद्रीय मंत्री के घर में आग लगा दी गई है, जिसमें मणिपुर सरकार की ओर से बताया गया है कि भीड़ ने 15 जून की देर रात केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आरके रंजन सिंह के कोंगबा स्थित आवास में आग लगा दी गई। गनीमत ये रही कि केंद्रीय मंत्री घटना के समय घर पर नहीं थे। इससे पहले कुछ उपद्रवियों ने 14 जून को इम्फाल के पश्चिम के लामफेल क्षेत्र में एक मंत्री के घर में आग लगा दी थी। नेमचा किपगेन बीजेपी और राज्य सरकार में मंत्री हैं, इन्हीं के घर में आग लगा दी गई। किपजेन 2017 से कांगपोकपी निर्वाचन क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा के सदस्य भी हैं। Sometimes some vested interested group wanted to use this religious card, but we totally against it, and there is no religious mob violence. You know, mob violence. You cannot identify it whether this is church or this is temple. Everything is there. Demolished. More than 70,000 the peoples were displaced. This is not on the basis of caste, creed or religions. It's a mob. Manipur mein ek mahine pehle मैतई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच में हुई जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। राज्य में शांति बहाल करने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया है। मणिपुर में 11 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति यानी ST का दर्जा देने की मैतई समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हो गई थी। मणिपुर में बहुसंख्यक मैतई समुदाय की ओर से की जा रही अनुसूचित जनजाति ST के तहत आरक्षण की मांग की जा रही है। इसके विरोध में ही 3 मई को निकाले गए आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। अब बताते हैं कि अभी तक हिंसा में क्या क्या हुआ है। जातीय हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की बात कही गई है, 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा हजारों घरों, बड़ी संख्या में निजी और सरकारी वाहनों, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के 16 जिलों में से 11 में अब भी कर्फ्यू लगा है। वहीं पूरे पूर्वोत्तर राज्य में इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गई है।
यानी बंद कर दिया गया है। जातीय हिंसा के कारण 50,000 से ज्यादा लोग राज्य भर के 349 राहत शिविरों में रह रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से 10,000 से ज्यादा जवानों को और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है ताकि राज्य में शांति बहाल हो सके। अब मणिपुर में दोनों समुदाय मैतेई और कुकी के बीच में कितनी कितनी आबादी है ये बताते हैं आपको कि 53% आबादी मणिपुर में मैतेई समुदाय की है या मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहती है। 40% आबादी आदिवासी नागा और कुकी समुदाय की है, यह मुख्य रूप से पर्वतीय जिलों में बसती है। पूर्वोत्तर राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और कानून व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षाकर्मी लगातार प्रभावित इलाकों में गश्त भी दे रहे हैं। इस बीच बीते 24 घंटों में टेंगनोपाल और इम्फाल ईस्ट जिलों में से कई फायर आर्म्स और 63 गोला बारूद बरामद किए गए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।